जहाँ पे छोड़ी थी वही टाइम था। ठीक है, इस डायग्राम पे क्लास को लाके मैंने एंड किया था परसों, कल तो हुई नहीं थी। तो ये हमारे दो सबनेट थे फॉर द डेटाबेस, ये दो सबनेट हमारे थे फॉर द एप्लीकेशन, ये दो सबनेट थे हमारे फॉर द वेब बोले तो फ्रंट एंड, और ये दो सबनेट हमारे थे पब्लिक रिसोर्सेस रखने के लिए। आपने कोई स्क्रीनशॉट किया है क्या? स्क्रीन हाँ नहीं दिख रहा क्या आपको? नहीं एक मिनट, नहीं अब दिख रहा है? हाँ देख रहा हूँ। दिख रहा है ना, ये डायग्राम था राइट, याद आ रहा है? और जो अभी ठीक तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि ये आपका IGW है, ये आपका राउटर है जिसमें आपने राउट डिफाइन किया है, ये भी आपका राउटर है जिसमें आपने राउट डिफाइन किया था, ये आपने आपका नेट गेटवे है, और ट्रैफिक का फ्लो मैंने आपको क्या बताया था कि बाहर से अगर कोई ट्रैफिक आएगी तो IGW के थ्रू इन होगी, आपके DNS पे जाएगी, DNS पे आप चेक करेगा रूट को भाई DNS में एंट्री क्या है। तो DNS में एंट्री आपने कर रखी है लाइक www.xyz.com आपका डोमेन है, उस नाम के अगेंस्ट में आपने ये जो लोड बैलेंसर हमने यहाँ पे रखा है, ये लोड बैलेंसर है, ये लोड बैलेंसर की एंट्री हमने कर रखी है। तो DNS क्या करेगा, लोड बैलेंसर पर ट्रैफिक को फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, लेकिन लोड बैलेंसर में ट्रैफिक आने से पहले, लोड बैलेंसर में ट्रैफिक आने से पहले कहाँ पे वेरीफाइड होगी, मैंने आपको बताया था उस दिन, Layer 7 का फायरवॉल। ठीक है, यहां से ट्रैफिक अगर इन हो जाती है तो देन ट्रैफिक कहाँ आएगी, देखेगा कि लोड बैलेंसर कौन सी सबनेट के अंदर क्रिएट है और सबनेट के ऊपर ACL कौन सा लगा हुआ है, तो ट्रैफिक यहाँ आएगी, यहाँ पे रूल चेक होगा इनकमिंग, रूल चेक होने के बाद देन उसके बाद लोड बैलेंसर के पास आएगी ट्रैफिक, और लोड बैलेंसर के आगे फायरवॉल लगा हुआ है सिक्योरिटी ग्रुप, और यहाँ से ट्रैफिक फिर इन होगी। अब लोड बैलेंसर में आने वाली जो ट्रैफिक है, लोड बैलेंसर क्या करेगा, लोड बैलेंस करेगा, तो लोड बैलेंसर क्या के बैकएंड में ग्रुप होता है, टारगेट ग्रुप जिसको हम लोग बोलते हैं, साइड में जगह नहीं है यहाँ पर, हमारा ग्रुप होता है। अब लोड बैलेंसर के अंदर हम लोगों ने क्या कर रखा है, ये आपका Layer 7 का लोड बैलेंसर है, तो इसके अंदर आप राउटिंग डिफाइन कर सकते हो, क्या राउटिंग आप डिफाइन कर सकते हो, होस्ट बेस्ड राउटिंग, पाथ बेस्ड राउटिंग। तो जैसे यहां पर मान लो मैं नंबर ऑफ ग्रुप बनाया हूं, एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप मेरे पास ये है,
और मैंने लोड बैलेंसर में राउटिंग डिफाइन किया है कि अगर कोई, मान लो मेरा डोमेन क्या है, मेरा डोमेन है www.xyz.com। मैंने यहाँ पे राउटिंग डिफाइन किया है कि अगर कोई www.xyz.com हिट करे तो डीएनएस क्या करेगा, ट्रैफिक यहाँ पे भेजेगा और यहाँ पर आके पहले राउटिंग चेक होगी। मैंने बोला कि अगर कोई www.xyz.com हिट करे तो उसकी ट्रैफिक लोड बैलेंसर इस ग्रुप को फॉरवर्ड करते हैं। अब इस ग्रुप के अंदर मैंने उन सर्वर को इंटीग्रेट करके रखा है, उन मशीनों को इंटीग्रेट करके रखा है जिन मशीनों में मेरे इस कंटेंट से रिलेटेड, इस होस्ट से रिलेटेड डिप्लॉयमेंट किया है मैंने। जैसे आपको समझाता हूं जरा रियल लाइफ के, आप क्या करते हो, www.google.com। तो जैसे ही मैंने www.google.com किया तो मेरी रिक्वेस्ट गूगल के लोड बैलेंसर पे गई है। ऐसा समझो ये है गूगल का लोड बैलेंसर, बट गूगल के लोड बैलेंसर ने क्या किया है, उस ग्रुप को फॉरवर्ड कर दिया है जिस ग्रुप में ऐसे सर्वर्स रखे गए हैं जिसके अंदर ये डिफॉल्ट पेज के कंटेंट को डिप्लॉय किया गया। ये डिफॉल्ट पेज, अभी डिफॉल्ट पेज जो आपके सामने दिख रहा है, इस डिफॉल्ट पेज को भी बनाने के लिए डेवलपमेंट की गई होगी, और ये डिफॉल्ट पेज का जो कंटेंट है वो किसी सर्वर पे डिप्लॉय हो, और वो सर्वर्स इस ग्रुप में रखे हुए हैं। देखते जाना यहाँ पे। अभी मैंने यहां पर mail.google.com हिट किया, क्या mail.google.com, तो डोमेन एक ही है, जस्ट मैं स्टार्टिंग के होस्ट चेंज करता हूं। तो गूगल कंपनी ने क्या किया, एक डिफरेंट ग्रुप रखा और उनके अंदर ऐसे सर्वर्स रखे हैं जिसमें जीमेल के कंटेंट डिप्लॉय किए गए, और लोड बैलेंसर को मैं ऐसे राउटिंग डिफाइन किया है कि अगर कोई mail.gmail.com लगाकर आए तो फिर आप इस ग्रुप के साइड मत फॉरवर्ड करना, इधर भेजना, क्योंकि मेल के कंटेंट इधर रखे हुए हैं, राइट। ऐसे ही अगर हमें यहां पर map.google.com करूं तो ये मैप के साइड लेके चला गया। कस्टमर क्या कर रहा है, तो ऐसे ही इस लोड बैलेंसर के बैकएंड में भी आप नंबर ऑफ ग्रुप बना सकते हो, नंबर ऑफ ग्रुप, और लोड बैलेंसर में राउटिंग डिफाइन करते चलो। तो यहां पर देखो, अगर मैं www.google.com करता हूं, गूगल कंपनी का डिफॉल्ट पेज है, लेकिन यहां देखो मैं मीट में करता हूं, होस्ट बदल गया meet.google.com, रिक्वेस्ट एक ही लोड बैलेंसर पे जा रही है, नंबर ऑफ लोड बैलेंसर नहीं है, एक ही सिंगल लोड बैलेंसर। मैं यहां पर करता हूं मैप रिक्वेस्ट, देखो ये पाथ डिफाइन है, सर्च में गया, देखो translate.google.com, तो लोड बैलेंसर के पास ट्रैफिक आती है, और लोड बैलेंसर ट्रैफिक कभी किसी इंस्टेंस को फॉरवर्ड नहीं करता, ध्यान रखना, बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को कि लोड बैलेंसर ट्रैफिक सर्वर को फॉरवर्ड करता है, नहीं, लोड बैलेंसर ट्रैफिक ग्रुप को फॉरवर्ड करता है, ये एक वर्चुअल ग्रुप है,
इस ग्रुप के अंदर आप अपने सर्वर्स इंटीग्रेट करते हो, वो सर्वर्स यहाँ बनाई बनेंगे आपके, उन्हें इंटीग्रेट करते हो। तो लोड बैलेंसर ने ट्रैफिक किसको भेजा? ग्रुप को, और ग्रुप अब बैलेंसिंग का काम ग्रुप करता है, मशीन की हेल्थ कंडीशन ग्रुप चेक करता है। समझ आई बात यहाँ पर मैंने क्या बताया? ये लॉजिक कंफर्म करो आप सब लोग एक बार, ये लॉजिक समझ आया यस सबको? आया हरप्रीत आपको? आया कौस्तव, चेतन, आयुष? सर, हाँ समझ हरप्रीत आपको आया समझ? ओके साइज क्लियर है ना? ठीक है ना? ठीक और क्लियर। है, तो यहाँ पे ट्रैफिक आ चुकी है। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पर? जो एसएसएल टर्मिनेशन है, एसएसएल टर्मिनेशन वो कहाँ पे लगेगा? क्या वो आपके सर्वर पे लगेगा या लोड बैलेंसर पे लगेगा? तो आपके पास दोनों ऑप्शंस होते हैं। आप अपना टर्मिनेशन एसएसएल सर्टिफिकेट आप सर्वर पे भी रख सकते हो, या फिर आप एसएसएल यहाँ पे लगा सकते हो। तो आपने अपने लोड बैलेंसर में ही एसएसएल सर्टिफिकेट लिया और लोड बैलेंसर में ही मैप भी कर दिया। सारी चीजें नेक्स्ट। अब लोड बैलेंसर क्या करेगा? टारगेट ग्रुप को ट्रैफिक फॉरवर्ड कर दिया, मान लो इस ग्रुप को, और ये मेरा फ्रंट एंड सर्वर है, और इस सर्वर को मैंने क्या किया? इस टारगेट ग्रुप के अंदर रख दिया। ऐसे ही मैंने क्या किया? मैंने बोला कि ये सर्वर अकेले ट्रैफिक हैंडल नहीं कर पा रहा है, मैंने यहाँ पे दूसरा सर्वर और क्रिएट कर दिया। क्या किया यहाँ पर मैंने? सेकेंड सर्वर्स और एक क्रिएट, और एक सर्वर मैंने क्रिएट किया, एंड और एक सर्वर मैंने क्रिएट, फोर सर्वर्स मैंने क्रिएट किए। मतलब मेरे फ्रंट एंड फोर सर्वर्स हैं। मैंने चारों सर्वर को क्या किया? इस ग्रुप में ऐड कर दिया। चारों सर्वर को मैंने इस ग्रुप में ऐड कर दिया। इन सारे सर्वर्स में मेरे सेम कंटेंट है। तो लोड बैलेंसर इस ग्रुप को ट्रैफिक भेजता है, अगर ग्रुप के पास फोर ट्रैफिक्स आती है तो इक्वली वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, 1:1। 40 ट्रैफिक्स आती है, इक्वली 10-10 ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करेगा। 400 ट्रैफिक आती है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। हमारे टारगेट ग्रुप को ऐसा लगता है कि फोर सर्वर में से कोई एक सर्वर अनहेल्दी है, तो हमारे टारगेट ग्रुप को लगता नहीं है कि अनहेल्दी है। हमारा टारगेट ग्रुप कुछ टाइम पीरियड के बाद, जो आप टाइम पीरियड डिफाइन कर दो, उस टाइम पीरियड के बाद हमारा टारगेट ग्रुप उन मशीनों का जो उस ग्रुप के अंदर होते हैं हेल्थ कंडीशन चेक करता रहे। हर 30 सेकंड के बाद हेल्थ कंडीशन चेक करेगा इन सारे सर्वर के। और अगर उसे ऐसा लगता है कि यार ये मशीन मुझे रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो उस मशीन को अनहेल्दी कंसिडर कर देता है, और अनहेल्दी कंसिडर करने के बाद हमारा टारगेट ग्रुप उन मशीनों को ट्रैफिक भेजना बंद कर देता है। ध्यान रखना, हमारा टारगेट ग्रुप कभी ऐसा नहीं करेगा कि मशीन अनहेल्दी है और ट्रैफिक भेज दे, कभी नहीं करेगा। क्योंकि वो ट्रैफिक कहाँ से आई है? यूजर से आई है, पब्लिक से आई है, और पब्लिक से की गई ट्रैफिक, आने वाली ट्रैफिक अगर सर्वर तक चली जाती है और सर्वर अगर हेल्दी नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो रिस्पॉन्स करेगा। रिस्पॉन्स क्या करेगा? हेल्दी है तो कंटेंट डिलीवर कर देगा, हेल्दी नहीं है तो क्या रिस्पॉन्स करेगा? एरर का 403 गेटवे XYZ एरर पेज नॉट फंड ऐसा। तो वो जो रिस्पॉन्स करेगा, वो रिस्पॉन्स कहाँ जाने वाला है? वो रिस्पॉन्स एंड ऑफ यूजर पे जाने वाला है, जिसने पब्लिक से आया था उसी के पास जाएगा वो रिस्पॉन्स। तो हम चाहते हैं कि ये रिस्पॉन्स, ये जो एरर पेज है, कभी यूजर्स को ना दिखे। तो उससे बचने का एक ही तरीका है कि आपका टारगेट ग्रुप हेल्थ चेक करता है एक टाइम पीरियड में, और अगर कोई मशीन उसे हेल्दी नहीं मिलती है
तो उसे एनएलडी कंसीडर करके साइड कर दे और उसे ट्रैफिक भेजना बंद कर दे। समझ आई मेरी बात यहाँ पर? हाँ जी कंफर्म करो। यस सर, सर आह जी नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट ये है, अगर आपके कस्टमर्स और ज्यादा आते हैं और ये 4 सर्वर सफिशियंट नहीं है ट्रैफिक को कंट्रोल करने में, उस केस में क्या होगा? उस केस में 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन ये है कि आप सिमिलर और सर्वर्स जनरेट करें, क्रिएट करें और अपने उस ग्रुप में ऐड करते जाए, तो ग्रुप का हिस्सा बनता जाएगा, तो ग्रुप उन्हें भी ट्रैफिक देने लगेगा। बट ये प्रोसेस अगर आप मैनुअल करते हो कि आप सर्वर क्रिएट करते हो, देन उसके बाद आप ऐड करने जा रहे हो, तो सर्वर क्रिएशन में टाइम लगेगा, सर्वर ऐड होने में टाइम लगेगा, 10 मिनट्स लग जाएंगे, 15 मिनट्स लग जाएंगे। तो जो ट्रैफिक आ चुकी है आपके पास, जो यूजर से ट्रैफिक आ चुकी है, उसको कैसे कंट्रोल करोगे आप? तो फिर पिक्चर में आता है ऑटो स्कैनिंग। तो पिक्चर में क्या आता है? ऑटो स्कैनिंग। और जब पिक्चर में ऑटो स्कैनिंग आती है, तो उस पिक्चर में फिर ऐसा होता है कि कोई भी सर्वर हमारे टारगेट टारगेट ग्रुप से इंटीग्रेट नहीं होता है। लाइन ध्यान से समझना, अगर ऑटो स्कैलिंग पिक्चर में आएगा तो किसी भी सर्वर को आप टारगेट ग्रुप में जाकर ऐड नहीं करते। अभी जो मैं बता रहा था, ऑटो स्कैलिंग ना होने पे आप मशीन को ले जाकर टारगेट ग्रुप में ऐड कर रहे थे, लेकिन ऑटो स्कैलिंग पिक्चर में आ जाता है। ऑटो स्कैलिंग पिक्चर में क्यों लाया आपने? इसलिए लाया क्योंकि लोड इंक्रीज होने से सर्वर्स ऑटोमेटिक आ जाए, ह्यूमन रिसोर्स की नीड ना पड़े। लोड डिक्रीज होने के बाद सर्वर्स ऑटोमेटिक निकल जाए, ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट ना पड़े, इसलिए आपने ऑटो स्केलिंग सेटअप यहाँ पर करने का सोचा। और जब ऑटो स्केलिंग सेटअप करने का सोचा, तो ये मशीनें फिर आपको ग्रुप में ऐड करने की जरूरत नहीं है। फिर क्या करते हैं हम लोग? फिर उस केस में हम लोग बनाते हैं ऑटो स्केलिंग ग्रुप। क्या बनाते हैं? एक हम लोग यहाँ पर ऑटो स्केलिंग ग्रुप बनाएंगे जिसका नाम है ASG, शॉर्टकट नाम है ASG। और ऑटो स्केलिंग ग्रुप में हम यहाँ पर कंडीशंस लगाएंगे, पॉलिसीज पॉलिसीज ये लगाएंगे, इस ग्रुप के अंदर मिनिमम इंस्टेंस 10 एंड मैक्सिमम इंस्टेंस 100। हमने ऐसी पॉलिसीज लगा दी, मिनिमम इंस्टेंस 10 और 100 इंस्टेंस 100। उसके बाद हमने बोला, उसके बाद एवरी एवरी 5 मिनट्स के बाद इस ग्रुप के अंदर जितनी मशीनें चल रही हैं उन सारी मशीनों को प्लस करके उनका लोड चेक करो। अगर लोड 50% से अबव हो, 70% से अबव हो, 90% से अबव हो, तो फट से 5 मशीन ऑटोमेटिक क्रिएट करके इस ग्रुप में ऐड कर दो। ऐसी हमने कंडीशन डाल देंगे, ऐसी हम लोग कंडीशन डाल देंगे। तो अब क्या होता है कि सारी मशीनें कहाँ होती हैं? क्रिएट हो के ग्रुप में जाएंगी, सारी मशीनें क्रिएट होके ऑटो स्केलिंग ग्रुप में जाकर ऐड होंगी, ना कि टारगेट ग्रुप में। ध्यान रखना, सारी मशीनें क्रिएट होके यहाँ जाके ऐड। और इस ऑटो स्केलिंग ग्रुप को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे लोड बैलेंसर के टारगेट ग्रुप के साथ। तो जब हम लोग इस ऑटो स्केलिंग ग्रुप को इसके साथ इंटीग्रेट कर देंगे, तो इस ग्रुप में जो मशीनें आ रही हैं, इस ग्रुप को हमने इसके साथ इंटीग्रेट कर दिया, तो अब टारगेट ग्रुप क्या करेगा लोड बैलेंसर का? वो इन मशीनों को ऑटोमेटिक अपने इधर ऐड कर देंगे, ऑटोमेटिक ऐड करेंगे, आपको मैनुअली ऐड करने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना, समझ आया ये कंसेप्ट? नौकरी
सही समझ आया? एक बार फिर से ये बता सकते हैं? जी जी मैं बता रहा हूँ, पहले आप बाकी लोग कंफर्म करें, क्लियर हुआ? स्वस्थ सर और चेतन साहित, आप जरा एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं आयुष को? सॉरी किसको? हाँ आयुष को क्या पॉइंट समझ नहीं आया? आयुष बोले क्या पॉइंट आपको है, शायद आपको एक्सप्लेन करेंगे। एक्स्ट्रा जो ये बनाए अपने एक रूप होता है वो क्यों बनाए? ऑलरेडी हम अगर आप बोले कि हम लोग अगर मैनुअली हम लोग सर्वर या करते हैं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करेगा, राइट? सपोज मुझे और ट्रैफिक चाहिए, मतलब और कोई यूजर है तो देना है तो और सर्वर क्रिएट करेंगे तो दैट इज क्रिएट अ प्रॉब्लम, राइट? उसके बाद मुझे आप जो बनाए ये सब ग्रुप है ये मुझे सब कौन सा ग्रुप आपको समझ नहीं आया? दिस वन मैं जस्ट ये आपको समझ नहीं आया? ये समझ आ गया। उसके बाद आप इसको पास कर देते वही, मतलब वही से अच्छा स्टार्ट। ये समझ नहीं आया कि इसको मैं इसके साथ इंटीग्रेट क्यों किया। हाँ इसको मैंने इसके साथ इंटीग्रेट इसलिए किया क्योंकि ट्रैफिक बाहर से आने वाली है, और बाहर से आने वाली ट्रैफिक कहाँ पे जाएगी? लोड बैलेंसर, ठीक है? और लोड बैलेंसर ट्रैफिक को फॉरवर्ड करता है इस लोड बैलेंसर वाले ग्रुप को, ना कि ऑटो स्केलिंग ग्रुप। समझ आएगी? इसलिए हमने इस इंटीग्रेट किया। अगर हमारा लोड बैलेंसर ऑटो स्केलिंग ग्रुप को ट्रैफिक फॉरवर्ड करने की क्षमता रखता तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती। बट ये ट्रैफिक किसको भेजेगा? इसको भेजेगा। और सर्वर की स्केलिंग अप स्केलिंग डाउन कहाँ हो रही है? इधर हो रही है। तो हमने अपना, हमने तो कुछ नहीं किया, AWS ने क्या किया, बोला इसको इंटीग्रेट कर दो इसके साथ। तो जब आप इस ग्रुप को इसके साथ इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे जितने सर्वर्स होंगे वो ऑटोमेटिक यहाँ ऐड हो जाएंगे, और यहाँ जब ऐड हो जाएंगे तो लोड बैलेंसर उसको ट्रैफिक भेजेगा और आपका काम हो जाएगा। समझ आ गए? जितना जितना चाहिए हो जाएगा। हाँ सो ये बैलेंसर का काम करता है स्केलिंग, राइट? बैलेंसर का काम मतलब? मान लीजिए बहुत अगर ट्रैफिक आ रही है और मुझे सर्वर बहुत सारे बनाना है तो वो नहीं बना के एक स्केलिंग का कर देगा, वो अगर ज्यादा चाहिए तो ज्यादा देगा ऑटो वो स्केलिंग। ऑटो स्केलिंग कर रहा है। हाँ बस अगर कम लोड चाहिए बैलेंसर का काम है कि उसके पीछे जो ग्रुप लगा हुआ टारगेट ग्रुप उसको ट्रैफिक भेज देना। टारगेट ग्रुप का काम है बैलेंसिंग करना, ट्रैफिक को बैलेंस करना, आने वाले ट्रैफिक को बैलेंस करना। और ऑटो स्केलिंग ग्रुप का काम है मशीन को स्केल अप स्केल डाउन करना एज पर द लोड। समझा। ठीक है? थैंक यू। चलो नेक्स्ट पॉइंट। अब ये जो मशीनें हैं ऑटो स्केलिंग ग्रुप में, जो मशीनें आएंगी उस मशीनों के अंदर आप अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय कैसे करोगे? जो मशीनें आएंगी उस मशीनों के अंदर एप्लीकेशन का डिप्लॉयमेंट आप लोग कैसे करोगे? अगर आप मशीन को, अगर आप सेटअप इनिशियल इनिशियल स्टेज पे सेटअप कर रहे हो तो तब तो उस केस में कोई इशू नहीं है। सिंपल, आपने एक मशीन AWS पे जाके क्रिएट की, उस पे आपने अपनी एप्लीकेशन कॉन्फ़िगर की जो डेवलपर बना के दिया था, उसकी आपने EMI बना ली। EMI स्टैंड फॉर इमेज। उसमें उसकी आपने क्या की, इमेज क्रिएट कर ली। उस इमेज को क्रिएट करने के बाद फिर आप क्या करते हो, आपने लॉन्च टैम्पलेट क्रिएट कर लिया। लॉन्च टैम्पलेट में आपने डिफाइन कर दिया कि एक मशीन बनाने की कॉन्फ़िगरेशन, मशीन बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। आपने लॉन्च टैम्पलेट में बता दिया मशीन का टाइप ये होना चाहिए, मशीन की इमेज ये होनी चाहिए जो आपने बनाया है, मशीन इस डेटा सेंटर में जाना चाहिए, बोले तो इस VPC में जाना चाहिए, ये सिक्योरिटी ग्रुप लगना चाहिए, ये ACL लगना चाहिए। सारी कॉन्फ़िगरेशन आपने लॉन्च टैम्पलेट में बता दी।
और यही लॉन्च टेम्पलेट आप आकर ऑटो स्केलिंग ग्रुप में अटैच कर देते हो। तो ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्या करता है, जब भी इसे मशीन की रिक्वायरमेंट पड़ती है लोड बढ़ने से, तो इस ऑटो लॉन्च टेम्पलेट का इस्तेमाल करके उसी कॉन्फ़िगरेशन की मशीन को बना लेता है। और लॉन्च टेम्पलेट के अंदर वो इमेज है, तो जो डेवलपर ने दिया था वो आपने यहाँ पर डिप्लॉय किया था, उसके बेस पे इमेज बनाई थी, वही इमेज आपने यहाँ डिफाइन की हो और वही लॉन्च टेम्पलेट यहाँ यूज हो रही है। तो इनिशियल स्टेज में तो ठीक है, लेकिन कल को अगर ऐसा होता है कि यहाँ पर जो मशीनें चल रही हैं, जो कस्टमर को रिस्पॉन्स दे रहा है, उसके अंदर जो एप्लीकेशन है वो फ्रंट एंड एप्लीकेशन को अपग्रेड करना है। क्या करना है? अपग्रेड करना है। तो अपग्रेड का वे क्या है? तो फिर अपग्रेड का वे आता है CICT। क्या आता है अपग्रेड का वे? CICT। तब फिर पिक्चर में आता है आपका वर्जनिंग कंट्रोल सिस्टम, तब पिक्चर में आता है आपका बिल्ड टूल, तब पिक्चर में आता है आपका कोड टेस्टिंग, तब पिक्चर में आता है आपका डिप्लॉयमेंट, तब आपका आपका पिक्चर में आता है सारी चीज। वर्जनिंग कंट्रोल में क्या क्या है? गिटहब हो गया, बिट बकेट हो गया, गिट लैब हो गया, कोड कमिट हो गया, बिल्ड टूल में मावेन हो गया, कोड बिल्ड हो गया, टेस्टिंग में सिलेनियम हो गया, कोड रिव्यू हो गया, डिप्लॉयमेंट में एंसिबल हो गया, स्क्रिप्टिंग हो गई, कोड डिप्लॉयमेंट हो गया। ये सारी तो ओपन सोर्स सर्विस मैंने आपको बता दी। AWS की अपनी नेटिव सर्विस के बारे में देखें तो वर्जनिंग कंट्रोल सिस्टम में कोड कमिट हो गया, बिल्ड के लिए उनका अपना कोड बिल्ड हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपका कोड रिव्यू हो गया, जैसे कोड कोड रिव्यू विल कम फर्स्ट राइट। क्या बोल रहे हो? आफ्टर कोड कमिट कोड रिव्यू आएगा ना, कोड बिल्ड। हाँ, दोनों काम करता है, फर्स्ट में भी बाद में भी कर सकते हो। अच्छा, फिर आपका आ गया कोड डिप्लॉयमेंट, जस्ट 1 मिनट।
ठीक तो अब आप क्या करोगे, ये जो कोड डिप्लॉयमेंट है इसको आप इंटीग्रेट कर, इसको आप कनेक्ट कर दोगे इसके साथ। ये आपकी क्या है, ऑटो स्केलिंग ग्रुप, इसके साथ आप कनेक्ट कर दोगे। तो अब डेवलपर्स क्या करेगा, जो भी चेंजेस करना यहाँ डालेगा, यहाँ बिल्ड होगी, रिव्यू होगा डिप्लॉयमेंट के पास। जब भी कोई नया डिप्लॉयमेंट आएगा तो वो क्या करेगा पता है, वो पहले एज इट इज, सेम एज इट इज एक ग्रुप बनाएगा। मेरे पास जगह नहीं, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ऑटो स्केलिंग ग्रुप बनाएगा, सेम सेम ऑटो स्केलिंग ग्रुप बनाएगा, इसी की कॉपी बनाएगा यहाँ पे। और बनाने के बाद ये जो नया डिप्लॉयमेंट है वो क्या करेगा, यहाँ पे करेगा और फिर टेस्ट करेगा ऑटोमेटिक चीजें परफेक्ट है कि नहीं है। और जब परफेक्ट हो जाएंगी तो जो लोड बैलेंसर का टारगेट ग्रुप है ना, ये जो इसके साथ इंटीग्रेट है उसको इसके साथ इंटीग्रेट कर दो और ये ऑटो स्विच हो जाएगा अपने आप विद इन अ सेकेंड। जैसे यहाँ पर आप आएगा विद इन अ सेकेंड ट्रैफिक स्विच हो जाएगी, क्योंकि ये ग्रुप इधर से हटके इधर चला जाएगा, तो ई वाले सर्वर इसके अंदर आ जाएंगे और ये हटेगा नहीं, ये स्टैंड बाई मोड में रहेगा। आपको ऐसा लगता है कि यार ये नया डिप्लॉयमेंट सही नहीं है तो आप वापस से स्विच कर सकते। समझ आई ये कंसेप्ट? हाँ, क्लियर है सर? ये जो ऑटो स्केलिंग आपने दूसरा ग्रुप बनाया वो ट्रू कॉपी रहेगा उसका, राइट? ट्रू कॉपी रहेगा शायद। ओके हरप्रीत, कौशव, चेतन, सबको क्लियर है इसका, यस ये सर। बात क्लियर है सबको? तो इस तरीके से कंपनी ने अपना फ्रंट एंड सेटअप तैयार कर लिया। क्या किया? फ्रंट एंड सेटअप तैयार कर लिया। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी फ्रंट एंड सेटअप कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी और आगे चलते हैं। फिर से वापस समझते हैं, ट्रैफिक कहाँ आई, टीएनएस, लोड बैलेंसर, टारगेट ग्रुप से इधर, ये। अब इस ग्रुप के अंदर जो कंटेंट रखे हुए हैं वो समझ लो जीमेल के हैं और गूगल मैप के कंटेंट का है दूसरे ग्रुप में, तो सेम सिनेरियो दूसरे ग्रुप के लिए अलग होगा। उसके लिए अलग लोड बैलेंस, उसके लिए अलग ग्रुप, अलग ऑटो स्केलिंग ग्रुप, अलग सीआईसीडी सेटअप, उसके बाद ड्राइव, गूगल ड्राइव, उसके लिए अलग ग्रुप। समझ रहे हैं? तो विजुलाइज करो फ्रंट एंड इंफ्रा कितना लार्ज हो सकता है एक बड़ी कंपनी का। इसीलिए कई बार आप लोग सुनते हो, कई बार एक ही कंपनी के अंदर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो फ्रंट एंड में ही नंबर ऑफ डिपार्टमेंट है। कोई कहता है कि हम इस पर्टिकुलर के लिए हैं, कोई कहता है हम इस पर्टिकुलर के लिए हैं, कोई इस पर्टिकुलर के लिए हैं, तो सिनेरियो उस तरीके से बढ़ता चला जाए। क्लियर है? बताओ मुझे सबको क्लियर है? हाँ जी, दूसरी चीज, फॉर एग्जाम्पल डीएनएस के पास ट्रैफिक आई, डीएनएस ने इस लोड बैलेंसर को फॉरवर्ड किया, ये लोड बैलेंसर जिस वीपीसी के अंदर है, जिस रीजन के अंदर है, वो रीजन अगर उस रीजन में कुछ नेचुरल डिजास्टर हो गया, अब क्या करोगे?
है कोई सलूशन आप में से किसी के पास कोई आइडिया है? कैसे तो मल्टीविजन कर लेते हैं, हाई विजिबिलिटी करेंगे, क्या मतलब यूज करेंगे? इसमें जब आप अप्लाई करते हो तो उसमें बोलोगे आपके लिए तो मल्टीविजन चाहिए तो कि आप फॉर एग्जांपल ईस्ट वेस्ट पे कर लो और दो डेटा सेंटर हो गए ना आपके तो अगर लेकिन इस पे आपको जब आप डिप्लॉय करते हो लोड बैलेंस है तो यू हैव टू टेल देम इसमें आप स्पेसिफाई करोगे कि लोड बैलेंसर मुझे में, हाई विजिबिलिटी आपको ट्रैफिक से पहले लोड बैलेंस को हिट करेगी ना लोड टीवीएस बैलेंसर डाउन हो गया ना, लोड तो बैलेंसर जिस आपका रीजन लोड में था वो नहीं डाउन हो गया था। तो उसका अगर आपका वो डीएनएस जो है वो रिजॉल्व उसके लिए आपको क्या कहते हैं वो हाई वेलोसिटी उसके लिए आपको दूसरे जोन में नहीं चलेगा आपका लोड बैलेंस अगर जोन एक जोन जोन में कैसे चलेगा, क्योंकि रीजन के एक अंदर ही रीजन जोन है, रीजन के अंदर ही जोन है, तो उस रीजन के अंदर आपके दो जोन है जोन वन जोन टू राइट पूरा रीजन ही क्रैश हो गया तो जोन भी चला गया। कंप्लीशन डाउन हो गई कौन बताएगा क्या क्या यूज करेंगे? ने बताया चैट में स्टेप्स बताओगे अर्पित, क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे? क्या है नहीं, मेरे इंड से अर्पित ऐसा कुछ नहीं है, आप अनम्यूट कर सकते हो, मैंने तो किसी को रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया। आप खुद ही कर सकते हो। सॉरी संजय जी जो लोड बैलेंस आप कर रहे हैं इसलिए कौन सा है इसके क्लासिकल लोड बैलेंस या एप्लीकेशन लोड ये बैलेंस एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है, क्लासिकल लोड बैलेंसर तो पुराना हो गया, उसको तो कहाँ यूज करते हैं। पुराना हो गया ना उसमें तो ऑप्शन था ना उसमें संजय हाँ जी, हो गया इसमें हम ये ऑप्शन ले सकते हैं डीआर के डिजास्टर रिकवरी के लिए हम अपने डेटा राइट, जो एक होगा कंप्लीट डीआरई, बट क्या ले सकते हैं, कुछ आइडिया है? एनी अदर जोन लाइक हमारा प्रोडक्शन नहीं रहेगा वहां पे जस्ट वन कॉपी एक रेप्लिका हमारी वहां पे रहेगी सो दैट इन केस ऑफ डिजास्टर वी कैन रन आवर प्रोडक्शन फ्रॉम द डियर साइड दैट काइंड ऑफ थिंग वी कैन ऑपरेट लाइक एक मिररिंग बना सकते हैं सिंक होता रहेगा मेरा डेटाबेस जो भी है ऑन दैट पर्टिकुलर साइड we will not take this kind of huge infra on that side. We will take only backup data backup. So we can like create another infra when required. देखो, बहुत हद तक आपने बहुत परफेक्ट बताया, बट AWS पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको समझाता हूँ। फिर उसके बाद अगर देखो, ट्रैफिक डीएनएस पे है, डीएनएस ने कहाँ भेजा? लोड बैलेंसर पे। लोड बैलेंसर आपके वीपीसी के अंदर ही है, इसी रीजन के अंदर, और रीजन ही में ही नेचुरल डिजास्टर हो गया। तो फिर वो जोन, जैसे जोन हाई अवेलेबिलिटी दे रहा था ना, दो जोन, तो जोन भी तो रीजन में है और रीजन ही चला गया, तो इस केस में कुछ नहीं कर सकते। इस केस में फिर आप डीआर प्लान आपको पहले से करके रखना पड़ेगा, और डीआर प्लान पहले से आपको इस तरीके से रखना पड़ेगा कि एज इट इज सेटअप, एज इट इज डेटा सेंटर आपको दूसरे रीजन में लगाना पड़ेगा, पूरा ऐसा डेटा सेंटर दूसरे रीजन में। दूसरे रीजन में लगाने के बाद बहुत बढ़ जाएगी
कॉस्ट तो बढ़ेगी फिर, हाई अवेलेबिलिटी मिल रही है आपको, कॉस्ट तो बढ़ेगी ना। अगर आप रीजन बेस्ड डीआर कर रहे हो, अगर हम जोन बेस्ड देखें, जोन बेस्ड तो यहाँ आपको मिल ही रही है बाई डिफॉल्ट, कि एक जोन खराब होगा दूसरे जोन में शिफ्ट हो जाएगी ऑटोमेटिक। लेकिन आप रीजन बेस्ड देख रहे हो ना, रीजन मीन्स कंट्री, एक कंट्री में पूरा नेचुरल डिजास्टर आया तो क्या रिकवरी प्लान है आपके पास? फिर तो कॉस्ट आपका लगेगा ही लगेगा ना कि आगे पर। चलो ठीक है, मैंने बोला कि ठीक है, मैंने अपनी कंपनी में एक बिल्डिंग लगा दिया, मैंने बोला एक बिल्डिंग में आग लगी तो मैं दूसरे बिल्डिंग में लगा लिया सेटअप। लेकिन अगर वो पूरी कंट्री में ही नेचुरल डिजास्टर हो गया तो फिर आप क्या कर सकते? तो गूगल कंपनी की अगर हम लोग बात करें तो कभी उनका डेटा सेंटर डाउन नहीं होता है। अब आप देखो कि करंटली कोई ना कोई ऐसी कंट्री है जहां पर वॉर चलता रहता है, राइट? और वॉर के केस में आपने देखा होगा कि हो सकता है कि उनके कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी स्टिल गूगल खुलता रहता है अगर किसी के पास फोन। समझ आ रहा है मेरी बात को? तो तब के केस में हमारा डीएनएस एज अ ग्लोबल लोड बैलेंसर की तरह काम करता है। डीएनएस क्या है हमारा? ग्लोबल लोड बैलेंसर। ठीक है, सुना है कभी डीएनएस? ये मैंने प्रोडक्ट F5 का वो नहीं काम करता है ग्लोबल नहीं वो वाला नहीं, कैटेगरी नहीं नहीं एक मिनट। ये तो तुम्हारा प्रॉब्लम है। हम लोग, सुना होगा आपने कभी इंडस्ट्री में काम करते टाइम किसी के मुंह से GSLB स्टैंड फॉर ग्लोबल लोड बैलेंसर। तो ग्लोबल लोड बैलेंसर के अंदर, डीएनएस के अंदर हम लोग डिफाइन करेंगे। अब हम लोग एज इट इज दूसरा डेटा सेंटर लगाया ऐसे ही, तो उसका भी लोड बैलेंसर है। तो दोनों लोड बैलेंसर को डीएनएस में ला के हम लोग मैप करते हैं, प्राइमरी सेकेंड एक्टिव पैसिव। मैं आपको थोड़ा सा सिनेरियो दिखा देता हूँ AWS में, करूंगा नहीं दिखा रहा हूँ बस अभी। ये तो देखो, यहां देखना, डीएनएस टाइप कनेक्ट फेल ओवर। देखो प्राइमरी सेकेंडरी, थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं, प्राइमरी सेकेंडरी, पहले ट्रैफिक कहाँ आनी है? एंड पॉइंट। देख रहे हैं क्या रहा है एंड पॉइंट में? एप्लीकेशन लोड बैलेंसर अभी मेरे पास है नहीं यहाँ पे, तो ट्रैफिक कहाँ आने वाली है? सेकेंडरी। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, तो ये लोड बैलेंसर मेरा कहाँ है? मान लो सिंगापुर रीजन में, तो ये लोड बैलेंसर मैंने कहाँ रखा है? US में। इस लोड बैलेंसर के बैकएंड में अपना टारगेट ग्रुप है, उस टारगेट ग्रुप के बैकएंड में अपना ऑटो स्केलिंग ग्रुप है, उस ऑटो स्केलिंग ग्रुप के अंदर अपने फ्रंट एंड सर्वर है, और ये लोड बैलेंसर
दूसरी कंट्री में। तो पहले ट्रैफिक कहाँ जाएगी? प्राइमरी के साइड। कभी प्राइमरी डाउन होता है तब ट्रैफिक सेकेंडरी के साइड जाएगी, और प्राइमरी सेकेंडरी के बीच में सिंकिंग आपने लगा के रखा है, सिंक। समझ आई? हाँ जी, और यहां देखो स्विच प्राइमरी एंड सेकेंडरी। हालांकि ये ऑटो स्विच होता है, लेकिन आप कभी चाहो तो यहां से क्लिक करके देखो स्विच खुद कर सकते हो, प्राइमरी सेकेंडरी। समझ आ रही मेरी बात? यहां पर कंफर्म करो मेरे को एक बार, समझ आया? हाँ बताओ। यस साइड क्लियर है? सर, हम लोग का जो डायग्राम के हिसाब से प्राइमरी सेकेंडरी क्या होगा सर, इसी में हम लोग मेन प्राइमरी सेकेंडरी ऐसा होगा कि एज इट इज सेटअप आप दूसरा और लगा लो, ऐसा पूरा और लगा दो, एक और लोड बैलेंसर हो जाएगा। अच्छा भाई ये जो मैंने तो फिर लगाया है ना, सेटअप ये प्राइमरी। ये मेरा क्या है, ये मेरा एक सेटअप है, ऐसा दूसरा सेटअप भी लगा दूंगा वो सेकेंडरी हो गया, और उसका लोड बैलेंसर लाके यहाँ ऐड कर दूंगा। अब देखो ये तो हम बहुत छोटे सिनेरियो में ऐसा करते हैं, लेकिन मान लो अगर हम उनके साथ को रिलेट करें जिनका बिजनेस ग्लोबल है, जैसे मैकडी, किसी भी कंट्री में चले जाओ आपको मैकडी मिल जाए, राइट? ऐसे कुछ बहुत सारे ब्रांड हैं जिनके आपको 100 कंट्री में मिलते हैं, जैसे गूगल देख लो, फेसबुक देख लो। तो इन लोग पता क्या सेटअप करके रखते हैं, इनका सेटअप ऐसा होता है हर कंट्री में एज इट इज सेटअप लगाएंगे, ऐसा सेटअप हर कंट्री में लगा के रखेंगे वो लोग, हर कंट्री में। और अपने डीएनएस में ऐसी सेटिंग कर देते हैं कि यूजर डीएनएस को बता देते हैं कि आपके यूजर जब आपके पास आएगा क्वेरी करने, तो आप उन्हें उसका एड्रेस बताना जिस कंट्री से वो आ रहा है। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि कस्टमर को फास्ट रिस्पॉन्स हो। तो इंडिया में भी ऐसा सेटअप लगा दिया, सिंगापुर में भी लगा दिया, लंदन में भी लगा दिया, यूएस में भी लगा दिया, ऑस्ट्रेलिया में भी लगा दिया, और डीएनएस को बता दिया कि आप यूजर का सोर्स लोकेशन चेक करो। अगर वही यूजर इंडिया से बैठ के गूगल खोल रहे हैं, तो डीएनएस को बता दिया कि आप देखो यूजर आ कहाँ से रहा, इंडिया से आ रहा तो उसको इंडिया डेटा सेंटर में भेजो। अगर वही यूजर का लैपटॉप लेके यूएस चला गया, देखो यूजर हिट कहाँ से कर रहा है, वो यूजर हिट यूएस से हिट कर रहा है, ये मत देखो कि यूजर इंडिया से बिलोंग करता है, अभी देखो यूजर सोर्स कहाँ से आ रहा है, यूएस के साइट ही भेज दो नियरेस्ट। आपने देखा होगा ना, अगर मैं एप्पल का फोन खरीदा हूँ और मेरा फोन खराब हो जाता है, मैं एप्पल सर्विस सेंटर में फोन करता हूँ, वो आपको क्या बोलते हैं? वो आपको ये नहीं बोलते कि आपने बाय कहाँ से किया, वो आपको आपके नियरेस्ट एरिया का सर्विस सेंटर आपको ट्रांसफर करते हैं। क्यों करते हैं? तो ये चीज भी डीएनएस के थ्रू होगी। कैसे होगी? देखो दिखाता हूँ, सारी खेल इस राउटिंग पॉलिसी पे छुपी हुई है। आपने बोला प्राइमरी, यहां से मैंने इसको हटाया, मैंने कनेक्ट, मैंने बोला जियो लोकेशन, मैंने बोला अगर ट्रैफिक नॉर्थ अमेरिका से आए तो नॉर्थ अमेरिका में भी एक डेटा सेंटर है, ये रहा उस लोड बैलेंसर का एड्रेस। अगर ट्रैफिक यूरोप से आए तो यूरोप में भी एक डेटा सेंटर हमने लगा के रखा है, ये उसका लोड बैलेंसर का एड्रेस। अगर ट्रैफिक साउथ अमेरिका से आए, वहां पे भी एक डेटा सेंटर हमने लगा कर रखा है,
अगर ट्रैफिक एशिया से आ रही हो तो वहां पे भी हमने एक लोड बैलेंसर लगा के रखा है। अगर ट्रैफिक इंडिया से आ रही हो तो इंडिया में भी एक लोड बैलेंसर हमने लगाकर रखा। देखो दिख रहा है डायग्राम को, देखो अच्छे से। ट्रैफिक कहाँ आने वाली है? प्राइमरी, प्राइमरी सोर्स ये है। देखो जियो लोकेशन, नॉर्थ अमेरिका इधर, यूरोप से इधर, ये इधर जाएगी ट्रैफिक। अभी देखो सेकेंडरी को कुछ किया ही नहीं हमने अभी, समझ आई? हाँ जी, यस सर। क्लियर है सबको? हाँ सर, पढ़ाया था तो क्लियर। डीएनएस के अंदर बहुत सारी राउटिंग पॉलिसीज हैं, अभी सिर्फ मैंने आपको दो बताई। डीएनएस के अंदर आपको बहुत सारी राउटिंग पॉलिसीज देखने को मिल जाएंगी, वेटेड, फेल ओवर, जियो लोकेशन, लेटेंसी, मल्टी वैल्यू आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, इस तरीके से आपने अपना फ्रंट एंड तैयार कर लिया, फ्रंट एंड आपका तैयार हो गया। इसके बाद फिर आप एक्स्ट्रा चीजें जो लगाते हो वो जस्ट एक ऑप्शनल फीचर्स हो जाते हैं, जैसे सर्वर मैनेजर आपने लगा लिया, कुछ सर्व इन फ्रंट एंड सर्वर पे लॉग इन नहीं करना चाहते हो तो आपने सर्वर मैनेजर लगा लिया, वहीं से बैठ के आप देख पा रहे हो क्या हो रहा है, कुछ पैच मार दिया अपडेट, ऑप्शनल फीचर्स है, ऑप्शनल सर्विस पे आप। अब बात आती है बैकएंड, बैकएंड सेटअप भी तैयार करना है, जैसे आपने फ्रंट एंड किया, अब क्या करना है आपको बैक एंड। तो बैक एंड के लिए भी आपको एक लोड बैलेंसर लेना पड़ेगा, बट इस बार लोड बैलेंसर एप्लीकेशन लोड बैलेंसर नहीं होगा, इस बार लोड बैलेंसर होगा नेटवर्क लोड बैलेंसर। क्योंकि बैक एंड में तो आपको फिक्स है ना कि कौन सी सर्विस चल रही है, किस पोर्ट पे चल रही है, वहां पे राउटिंग तो करानी नहीं है। तो बैकएंड के लिए भी लोड बैलेंसर होगा, बट बैकएंड एप्लीकेशन भी अपग्रेडेशन चलेगी, तो ये सेट सीआईसीडी सेटअप बैकएंड के लिए अलग बनेगा, क्योंकि जब बैकएंड में कुछ करना है तो उसका अलग है। फिर आ जाता है डेटाबेस, डेटाबेस के पास भी एक लोड बैलेंसर होगा, वो भी नेटवर्क होगा। समझ आ गई मेरी बात यहाँ? क्लियर है? हाँ यस। फिर उसके बाद इस डेटा सेंटर बनाने में क्या क्या रिसोर्सेस लग गए आपके? फिर इसके अंदर जो कंप्यूटर्स हैं वो EC2 का पार्ट हो गया, फिर EBS वॉल्यूम आ गया इसके अंदर, फिर धीरे धीरे लॉग्स डेटा स्टोर करने के लिए S3 सर्विस लग गई,
फिर फाइल शेयरिंग करने के लिए EFS वॉल्यूम लग गया, फिर इस डेटा सेंटर के अंदर बहुत सारे डेवऑप्स इंजीनियर काम कर रहे हैं तो उनके लिए IAM यूजर बनाना पड़ेगा, इन रिसोर्सेज की मॉनिटरिंग करने के लिए मॉनिटरिंग सर्विस आ गई क्लाउड वॉच। फिर पता लगता है कि आप EC2 के अंदर डायरेक्ट अपनी एप्लीकेशन नहीं चला रहे हो, कंटेनराइजेशन करके चला रहे हो, तो डॉकर क्यूबनेटिस आ गया उसके अंदर। फिर पता लगता है कि कुछ सर्वर पे पैचिंग वगैरह आपको करनी होती है तो सर्वर मैनेजर आ गया आपका। फिर पता लगता है कि कुछ, ये तो पूरा का पूरा आपका IS का सर्विस हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इन्हीं के अंदर आपको कुछ ऐसी सर्विस हैं जो PaaS लेवल की लेनी पड़ती हैं, तो ECS आ गया आपका, EKS आ गया, Kubernetes एज अ सर्विस, उसमें भी आ गया आपको इंफ्रास्ट्रक्चर लेना या सर्वरलेस लेनी है, लामडा आ गया। ये सब फिर एक्स्ट्रा चीजें आती रहती हैं जो आपके डेटा सेंटर को और अच्छे से, बट बेस यही है। समझ आ गई मेरी बात यहाँ पर? एक क्वेश्चन था। जी अभी आपने सर्वर मैनेजर की बात की थी, लाइक आप उसका कोई एग्जांपल दे सकते हैं, लाइक जैसे सर्वर मैनेजर का। सर्वर मैनेजर का एग्जांपल, जैसे कि मान लो जैसे आपके डेटा सेंटर में एक सर्वर रखा हुआ, ठीक है, और आपके बॉस ने बोला कि यार जरा इस सर्वर पे ना एक आपको वो करना है, लाइक कोई पैच अपग्रेड करना है, या सर्वर पे एक कमांड रन करके वो आउटपुट निकालना है, कैसे करोगे? या तो सर्वर को लॉगिन करोगे, ठीक है, या आप सर्वर को लॉगिन करोगे, या फिर आप क्या करोगे, अपने मशीन से बैठ के कोई स्क्रिप्ट रन कर दोगे जो आपको लॉग ला के दे देगा, राइट? तो जैसे प्रोमिसिस या ग्राफाना। हाँ, नहीं, प्रोमिथियस ग्राफाना तो लॉग जनरेट करके ला के देता है ना, बट हाँ, एक्टिविटीज नहीं करने देगा ना वो। तो एक्टिविटीज मतलब मैं कोई चीज रिमूव करना चाहता हूँ, कोई इंस्टॉल करना चाहता हूँ। ओके, लाइक फिर एंसिबल के थ्रू, जैसे एंसिबल एंसिबल। के थ्रू, राइट, एंसिबल। ठीक, तो वैसे ही है, तो सर्वर मैनेजर एंसिबल का ही रिप्लेसमेंट इन्होंने दिया है कि आपके 1000 सर्वर हैं, अब कितने बोला कि 1000 सर्वर पे देखो जरा CPU क्या यूज हो रहा। प्रोमिथियस तो करके लाके दे देगा, लेकिन बोला जाए 1000 सर्वर पे कोई पैच अपग्रेड करना, तो फिर आप क्या करोगे, मतलब सर्वर पे वो टास्क रन करना है सर्वर मैनेजर में बैठ के आप कर दो। तो क्लियर है, ब्रेक करूं क्लास यहाँ पे? ये जी क्वेश्चन था। इसमें तो जैसे ये एक उसने ऑटो स्केलिंग ग्रुप एक दूसरा क्रिएट किया और फिर उसने कोड को डिप्लॉय किया डिपार्टमेंट, तो यही चीज मतलब कुबरनिटीज में कैसे जाएगा? क्या बोल रहे हो? कुबरनिटीज जैसे हमारे कुबरनिटीज में चल रहा है क्लस्टर, अगर वहां पे ये डिप्लॉयमेंट करना हो। वहां पे फिर आर्गो सिटी आता है, वहां पे आर्गो सिटी होता है, जो आर्गो सिटी क्या करता है, वो एक साइड कुबरनिटीज की साइड इंटीग्रेट हो जाता है और एक साइड आपके गिटहब की साइड हो जाता है, और फिर वो देखता रहता है, ठीक है, कि गिटहब में कुछ भी नए चेंजेस वगैरह आते हैं तो वो अपने आप उसकी डिप्लॉयमेंट फाइल बनाकर और उस साइड पर डिप्लॉय कर देता है। तो साइज क्लियर है सबको? कोई डाउट तो नहीं है साइज आपको यहाँ पर? ठीक, ऑल क्लियर। थैंक यू। तो ड्रॉप करूँ मैं क्लास? हाँ, कल होगा सेशन। हाँ जी, हाँ जी, सेशन होगा। ठीक।